finishes off in style. एशिया कप 2022 मैच नंबर 9 इंडिया वर्सेस श्रीलंका सुपर 4 का मैच नंबर 3 6 सितंबर 2022 शाम के 7:30 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई। हम अगर इस मैच के लिए पिच रिपोर्ट की बात करें तो दुबई के इस पिच पर पिछला मैच हुआ था भारत और पाकिस्तान का, जिसे पाकिस्तान 5 विकेट से जीता था। इस मैच में कुल 12 विकेट गिरे थे, जिसमें 6 तेज गेंदबाज के हिस्से में आया था और 6 स्पिनर के हिस्से में। शुरुआत में यह पिच स्पिनरों को मदद नहीं कर रही थी, लेकिन अब 20 के ओवर में स्पिनर विकेट निकाल लेते हैं, इसीलिए इस मैच में आपको दोनों का कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। साथ ही एक बात और ध्यान में रखना होगा कि पिछला मैच यहाँ पर हाई स्कोरिंग रहा था, इसीलिए टॉप और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के सिलेक्शन पर भी ध्यान देना होगा। हम अगर इस मैच के लिए इंडिया के प्लेइंग 11 की बात करें तो यह कुछ ऐसी हो सकती है। KL राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, दीपक हुड्डा, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, रवि बिश्नोई, युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह। हालांकि यही टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैच हारी थी, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है, इस प्लेइंग 11 में चेंज होने की संभावना नहीं के बराबर है। वहीं अब हम अगर श्रीलंका के प्लेइंग 11 की बात करें तो यह टीम कुछ ऐसी हो सकती है। सबसे पहले प्रथम निशंका, फिर कुशाल मेंडिस, इसके बाद चरित असालांका, धनुष्का गुनातिलका, भानुका राजपक्षा, दसुन शनाका, वाणिंदु हसारंगा, चमिका करुणारत्ने, महेश तीक्षणा, असिथा फर्नांडो और दिलशान मधुशंका। शारजाह में श्रीलंका की यह टीम अफगानिस्तान को चेज करते हुए हराई थी और यह चेज 175 रनों का था, इसीलिए श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम अब अगर आपके लिए फैंटासी टीम की बात करें तो यह कुछ ऐसी होनी चाहिए। विकेट कीपर में आप कुशाल मेंडिस को रखिए, बैट्समैन में रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और भानुका राजपक्षा को। वहीं ऑलराउंडर में वाणिंदु हसारंगा, चमिका करुणारत्ने और हार्दिक पांड्या को जरूर रखिए। वहीं गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह या युजवेंद्र चहल, दोनों में से किसी एक को रखिए और असिथा फर्नांडो को। हम अब अगर आपके फैंटेसी टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो अगर इंडिया पहले बैटिंग करती हैं तो आपके कैप्टन रोहित शर्मा या विराट कोहली, दोनों में से कोई एक होने चाहिए। वहीं वाइस कैप्टन कुशाल मेंडिस होने चाहिए, क्योंकि वह चेज करते हुए अच्छा मारते हैं। वहीं अगर श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करती है तो आपके कैप्टन भुवनेश्वर कुमार होने चाहिए, वहीं वाइस कैप्टन विराट कोहली या सूर्य कुमार यादव। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच होने वाले इस मैच के लिए हमारी ओर से टिप्स यह है कि हमारी पहली टिप्स तो यही रहेगी कि आप इंडिया के चारों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के साथ खेलें, लेकिन इसके बाद इस टीम में हार्दिक पांड्या को एडजस्ट कर पाना मुश्किल होगा, इसलिए फॉर्म को देखते हुए आप KL राहुल को नहीं खिलाने का रिस्क ले सकते हैं। बैटिंग सही है, वहीं ऑलराउंडर में आप चमिका करुणारत्ने के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, वह एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी हैं और तेज गेंदबाज भी, यह आपको हार्दिक पांड्या जैसा पॉइंट कभी भी दे सकता है। गेंदबाजी आप टॉस के अनुसार बदल सकते हैं। जो चेंजेस हमने आपको बताया है वह प्लेइंग 11 अनाउंस होने के बाद टॉस के अनुसार किया जाएगा। फाइनल टीम हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल बिजूर क्रिकेट पर देंगे। तो अब आप अपनी टीम बनाइए और जीत का आनंद लीजिए। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। साथ ही जरूरी सजेशन, इन्फॉर्मेशन और फाइनल टीम के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल बिजूर क्रिकेट से जरूर जुड़िए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।